अब मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी डेली व्लॉगिंग बंद होने वाली है। हेलो, हाँ भैया पन्नी रख लेना, वो वाली पन्नी रख लेना, पन्नी वो जो बताई थी नहीं पेंट लगाने वाली। ठीक भैया, ग्रेट सक्सेस। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल रात में हमने 8 बजे उसको कॉल कर दिया था जिसकी नर्सरी थी। हमने बोला भैया कल पॉली बैग्स ले आना, तो उसने बोला हाँ ले आएंगे, और अगर आज वो नहीं लाया हुआ ना तो उसकी ऐसी की तैसी की वैसी कर देंगे। चल के मतलब बताओ 3-4 दिन हो गए उससे बैग नहीं लाए जा रहे हैं। फिलहाल बजने जा रहा है दोपहर का 2:30। अब कर रहे हैं व्लॉग की स्टार्टिंग, बिकॉज इस समय ज़िंदगी में मची हुई है बहुत सारी बसड़ जो कि हम आपको नहीं बता सकते। और फिलहाल अभी हम थोड़ा सा तैयार यार बैठे हुए हैं, फॉर्मल कपड़े डाल के, एक्चुअली एक जगह जाना है तो कुछ कर रहे हैं तैयारी, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। और अब मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी डेली व्लॉगिंग बंद होने वाली है, शायद अब हम व्लॉगिंग बंद कर दें, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। खैर आपको तो पता चली जाएगा जो कुछ भी होगा। फिलहाल चलो अपना काम निपटा के आते हैं। बैक होम गाइस 3:30 बजे और मस्त धूप और गर्मी हो रही है बाहर, हालत खराब हो गई यार। बस अभी घर पहुंचे थे कि हम अपने पपी से नहीं मिले थे कल से, तो पपी से मिलने के लिए आए हैं। ये चेक करें अब ना यार, ये बहुत ही ज्यादा ठीक टाइप का लग रहा है। देखो कितना खुश है और खूब अच्छे से मेरे साथ खेल भी रहा है। और देखो अब ना इसकी पट्टी भी थोड़ी सी पुरानी पड़ने लगी है, देखो हल्का हल्का दिख भी रहा है, कटा हुआ है। तो कल इन्हें फिर से लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, कल इनके एक बार और पट्टी बंधेगी। अभी ना इनके 2 या 3 बार पट्टी बंधेगी, उसके बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी देखो कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, उस दिन तो कतई मूड डाउन था। और आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग जिस दिन इसके पट्टी बनवा के आए थे तो इसके चेहरे पे कितनी प्रीशियस से स्माइल आई थी, मतलब वो स्माइल ना मेरे को आज भी याद आ रही है। उसके बाद अब तो देखो बिल्कुल सही हो गया। अभी क्या कर रहा है, उस दिन तो तुम्हारे दम नहीं बची थी, आज तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। गुड बॉय, गुड बॉय। पपी जी हमारे बिल्कुल सही सलामत है अभी। और अब हम चले गुनगुन दीदी को लेने के लिए उनकी कोचिंग से। भाई जिंदगी में समय ऐसी बसड़ है कि हम क्या बताएं। और अब मेरे को लग रहा है कि हमको ना डेली व्लॉगिंग अपनी बंद करनी होगी, तो देखते हैं। ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, बट हाँ अब ऐसा लग रहा है कि बंद करनी पड़ेगी यार कुछ दिनों के लिए। तो यार गुनगुन दीदी को भी ले लिया नर्सरी आए, देखते अंकल लाए नहीं लाए। लाए हो अंकल आज? हाँ चलो बढ़िया है, फ़ोन भी कर ही दिया था। फोन दे दे तुम्हारा, फोन को हमने उठाओ उधर। इसमें आम की गुटलियाँ लग जाएंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आम लग जाएगा ना आम की गुटली इसमें? यार फाइनली अपन को पन्नी मिल चुकी है। हमारा स्कूल है, यहाँ पे खड़े हो जाओ याद आने लगती है स्कूल की। कैसा महसूस हो रहा है? यार महसूस क्या कर रहे हैं, तो स्कूल के सामने खड़े हो जाओ, एक एक पल याद आ जाता है जो जो हमने। हाँ तो उधर ही क्या दिखा रही हो हमें, दिखाओ जो मेन ब्लॉगर है उसे नहीं दिखाएंगे, स्कूल दिखा रही है मेरा। तुम्हें पता है डेली ब्लॉगिंग बंद कर रहे हो? हाँ मन हो रहा है इसे। बाकी मेरे गाइस नीचे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं डेली ब्लॉगिंग बंद करी जाए। अब गाइस जो बताएंगे वही होगा। पता है आप लोग नहीं चाहोगे। पॉली बैग ले लिए हैं गाइस और गरीब लोगों को यहाँ पे मोमोज खिला रहे हैं। आपने आप खुद ही खा चुके हैं अभी? क्या खाया हमने, आलू खाए, वो भी बहुत टेस्टी वाले, में टेस्टी वाले, हेल्दी वाले, और तुमको खिलाए दे रहे हैं। ठीक है तो मतलब तुम्हें यार मेरा क्या बोलते हैं एहसानजनक होना चाहिए, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। हाँ देखो बेशर्मों तरह रुपए भी मांग रही है, कम से कम ये तो एहसान मांगो कि हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं। लोहा ही नहीं 50 के। बिटिया ने मोमोज तो डलवा दिए पर अभी तक मिल ही नहीं रहे, मतलब 5-6 मिनट हो गए। पता ये ना इनके शायद फ्रेंड के पापा का स्टॉल है, तब भी गाइस मतलब बताइए गजब बेइज्जती है गाइस, गजब बेइज्जती है। हमें ये बात बताओ जब ये तुम्हारे फ्रेंड के पापा का ठेला था तब तुम्हें इतनी देर लग गई, तो फ्रेंड होती तो क्या तुम्हें जल्दी मिल भी जाता? अरे ये कोई बात नहीं है। अरे हाँ चल चल यार, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है ही नहीं कि मतलब कि हमें ऐसा खिलाया। बस एक वो मेरा अंकती दोस्त है जो मतलब जिसका जहाँ पे हम जाते खाने के लिए, वो तो हमें चाहे जितने के बताओ उतने के खा लें उसके यहाँ। लेकिन यार कोई मोमोज वाला अगर ब्लॉग देख रहा हो हमसे फ्रेंडशिप करोगे क्या? हाँ तो भाई ये रहे अपने 15-20 बैग्स। तो ये तो भाई हम कल काम करेंगे बिकॉज अभी रात होने जा रही है, सब काम किचन गार्डन में करेंगे। अभी किचन गार्डन में जाना सही नहीं है बिकॉज वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे। कल ही खाद लेके आएंगे, फिर अच्छे से खाद बनाएंगे, फिर गुठलियों को इसमें लगाएंगे। और फिलहाल 2 दिनों से कुछ नहीं शूट हो पा रहा था व्लॉग बिकॉज पूरा दिन तो कुछ काम में ही चला जाता था, बट अभी फिलहाल वो काम हो चुका है तो आराम से व्लॉग शूट हो जाया करेगा। और अभी तो कन्फ्यूजन है, और अभी तो हमें ये लग रहा है कि शायद, और यार फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेने का डेली व्लॉगिंग से। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि डेली व्लॉगिंग बंद कर दी जाए क्या। मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में जैसे कि 1 या 2 व्लॉग डाले जाएँ, बाकी तुम लोग बताना नीचे कमेंट करके। तो यार बस अभी घर पहुंचे थे गुनगुन को लेके, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ नानी के यहाँ, यानी कि मामी की मम्मी के यहाँ। वहाँ पे छोटी भाभी थी ना, तो उनको लेने के लिए जा रहे हैं। और हमारी यानी दीदी को अभी हमने थोड़ी देर पहले नहलाया धुलाया है, तो बिल्कुल साफ साफ हो गई। हाँ हाथ दे रही थी ना, हाँ हाथ दे दो। गुड गर्ल गुड गर्ल। इस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखी है ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। नानी जी के यहाँ पहुँच चुके हैं एंड ये रही नानी जी। बताओ अभी खाना पीना खा के जा रही। हम नहीं खाएंगे, नानी मन नहीं हो रहा। और मामा जी भी यहीं थे, मामा जी भी जा रहे हैं घर। हम भी छोटी भाभी को लेके जा रहे हैं घर अभी, और फिर व्लॉग जाके घर जाके अपलोड करेंगे। बताओ 8:30 बजने जा रहा है ये व्लॉग, जहाँ तक 9:30 पे आएगा। गाइस लेट हो रहा है थोड़ा बहुत, व्लॉग सह लेंगे थोड़ा। चलो भैया फिलहाल हम चलते हैं छोटी भाभी जी को लेकर। और पता है मामा जी अभी चल रहे थे घर, लेकिन मामी ने मामा को रोक लिया। वाह ग्रेट सक्सेस गाइस, ग्रेट सक्सेस। तो हम इन्हीं को लेकर चलते हैं छोटी भाभी जी को घर। बैक होम 8:46 पे, ठीक है। और घर पहुँचे हैं, लाइट नहीं आ रही है। ब्लॉग रेंडर करना बचा है, तो देखो पता नहीं कब ब्लॉग आएगा। अब तो मैं पक्का लग रहा है ये मेरा लास्ट ही ब्लॉग है गाइस, लास्ट ब्लॉग। हाँ तो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल, नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते आपसे मिलेंगे कल या नहीं मिलेंगे। बाकी तुम लोग नीचे कमेंट करके सजेशन देना। अगर तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। अब क्या बोलूँ, आज मेरे को कुछ, आज मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बस सीधे बाय, खत्म, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है।